दोस्तों आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ जिससे कि अपन जो गलतियाँ करते हैं उस पर व्यू नहीं बढ़ते। जैसा कि अपन बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं, सब लोग कहते हैं सब्सक्राइब, जैसे ही अपन चैनल कोई भी बनाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले अपना ध्यान जाता है 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे, और अपने वीडियो पर ध्यान नहीं जाता कि अपन किस अपन वीडियो को सही बनाए, वह एक ही ध्यान रहता है कि 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर कैसे पूरे करें, मगर ये नहीं आता कि अपन वीडियो अच्छा से अच्छा कैसे बनाए। इस पर ध्यान छोड़कर आपको ऐसा वीडियो बनाओ कि मैं जैसे कि अपन लोगों के जब भी अपन किसी का चैनल देखते हैं तो क्या, जैसे किसी का वीडियो देखा तो आप बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियो देखते हैं और उसमें अपन क्या देखते हैं, 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर कैसे बना, बस पूरा ध्यान उसी पर फोकस कर ध्यान केंद्र करते हैं। ऐसा नहीं करें और जब ये नहीं देखते कि वीडियो किस हिसाब से कितनी अच्छी तरह से बनाया है, उसमें थंबनेल कैसा लगाया, क्लिक बेट कैसे किया है, ये किसी का ध्यान नहीं जाता। शुरू में ऐसा ही रहता है कि अपन सब्सक्राइबर और उस पर, और सबसे बड़ी गलती अपन क्या करते हैं, जैसे ही अपन ने वीडियो बनाया क्या होता है, अपन अपने आस पर अपने रिश्तेदारों को कहते हैं कि मेरे मैंने जो खुशी मिलती है कि मैंने चैनल बनाया इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने इसको लाइक कीजिए, जैसे कि क्या वह कर तो कर लेते हैं, वैसे सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं, मगर क्या होता है आपने कहने पर भाई सब्सक्राइब कर लेते हैं, मगर क्या होता है कि भाई जो सब्सक्राइबर मिलते हैं वो किसी काम के नहीं होते और वह देखते नहीं हैं, क्योंकि अपने कहने पर तो उन्होंने बना लिया मगर उनको रुचि नहीं होती, इसलिए वह देखते नहीं हैं। तो यूट्यूब क्या समझता है कि इनका वीडियो अच्छा नहीं बन रहा इसलिए ये देख नहीं रहा है, तो वो डाउन हो जाता है, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। दूसरी गलती अपन क्या करते हैं कि जैसे ही अपन ने वीडियो बनाया तो अपन क्या करते हैं, शेयर करते हैं, शेयर भी नहीं करना चाहिए। और आपने जैसे ही वीडियो बनाया है तो आपको जैसे कोई चैनल बनाया है तो आपको क्या करना चाहिए कि किसी से मत कहो, चुपचाप अपना काम करते रहो और अपन अपनी वीडियो डालते जाओ अच्छे से अच्छे कंटेंट में, और व्यू अपने सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे पर ध्यान ना दो, आप वीडियो बनाओ अपने आप आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और अपने 4,000 घंटे भी आसानी से हो जाएंगे। मगर अपन क्या करते हैं, जानकारी नहीं होती, मैंने भी बहुत गलतियां करी थी इसलिए मेरे को इतना टाइम लग गया, मैं अपने अनुभव से आपको ये बता रही हूँ। और सब्सक्राइबर बढ़ाने का अब मैं 13 साल में जो सीखी हूँ कि सब्सक्राइबर खरीदने की अपेक्षा आप बढ़ा सकते हो, मगर जिस कैटेगरी के अपन ने चैनल बनाया उसी कैटेगरी के आप शॉर्ट वीडियो डालिए, देखिए कितनी जल्दी आपके चैनल बनते। और जैसे आप खरीदते हो वे जर्मन नहीं होते, अगर आपको खरीदने की जगह आप कोई भी शॉर्ट वीडियो डालिए आपके सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और आप 1,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कर लेंगे, मगर ये कोई वो जन मगर अपने कैटेगरी के बनाओगे तो वो आपके काम आएंगे और जो दूसरे कैटेगरी के बनाओगे ना वो किसी काम के नहीं। आजकल तो क्या चल रहा है कि चैनल भी कोई क्या करना, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके चैनल जल्दी गिरो हो रहे हैं, उनको आइडिया हो गया कि कैसे गिरो करना है, और वो गिरो कर आपको 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर पूरा कर भाई आपको चैनल बेच भी रहे हैं, वह भी चैनल आपके कोई काम का नहीं होता, क्योंकि वह चैनल उनके आवाज़ एवं उनकी फेस देखकर बना जल्दी गिरो हुआ है। जब आप उनके आप जब डालोगे वो आपका आपके फेस और आपके आवाज़ उनको पसंद नहीं आएगी तो भाई कोई काम का चैनल नहीं होगा, इसलिए आप अपने पैसे फिजूल में पैसे खर्च ना करें, थोड़ा टाइम लगेगा और आप अपने साथ और मेहनत से कभी घबराएं नहीं, लगे रहें और आपको ज़रूर एक दिन सफलता मिलेगी, जैसे कि मैंने करा है। 1.5 साल में मेरा चैनल अब गिरो होने वाला है, मैं लाइव बताऊंगी आपको कितने सब्सक्राइबर हो गए, मेरे 2300 सब्सक्राइबर हो गए और मेरे 4,000 घंटे होने के लिए सिर्फ 400
घंटे और चाहिए, 400 घंटे जरा में हो जाएंगे। मैं किसी से नहीं कह रही, और धीरे धीरे हो जाएंगे, और मेरा चैनल मोनिटाइजर के लिए तैयार हो जाएगा। आप भी ऐसा कर सकते हो, मगर किसी की बातों में ना, धीरे धीरे जैसा कि अपन धीरे धीरे चलते हैं तो आपका और कभी उदास ना हो। जैसे कि आप चिंटी भी कितनी कोशिश करती है, ऊपर चढ़ती है, पहाड़ पर भी चल जाती है, नीचे गिरती है, फिर ऊपर चलती है, फिर नीचे गिरती है, मगर आप भी ऐसा ना सोचें कि मेरा इतने देर लग रही है, और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और मेरे कहने पर आप ऐसा करके देखिए, देखिए कितनी जल्दी सफलता मिलेगी। मैंने तो गलतियाँ करी थी, इसलिए टाइम लग गया। अगर मैं नया चैनल बनाऊँ तो जल्दी हो सकता है, मगर मैं इसलिए नहीं बना पाई, टाइम कम रहता है और थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो उतना ही एक ही चैनल बनाया है, जिससे कि ज़्यादा बनाने में अपन नहीं बना सकते। इसलिए आप अच्छे से अच्छा बनाइए चैनल, वीडियो डालिए, और चाहे एक या दो चैनल बनाइए। ऐसा नहीं कि अपन ने 5-6 चैनल बना लिए और उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे तो अपन आगे नहीं बढ़ सकते। अगर एक ही चीज़ पर अपन ध्यान देंगे ना तो अधिक बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ एक या दो ही चैनल बनाना चाहिए, जो मेरे हिसाब से कह रही हूँ। आपको जैसा उचित लगे वैसा करिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो।